Topic is guys, combination of inductors and where mutual inductance is taken into account, is taken into account. मतलब जैसे ये फॉर्मूला होता था ना कि भाई हमारे पास ये इंडक्टर है और ये हमारा इंडक्टर है इसकी सेल्फ इंडक्टेंस एल वन होती थी इसकी सेल्फ इंडक्टेंस एल टू होती थी और इन दोनों की म्यूचुअल इंडक्टेंस एम है मान लो और ध्यान रखना एम वन टू और एम टू वन सेम होता था तो इसमें एल इक्विवेलेंट कितना आता है इसमें एल इक्विवेलेंट आता है एल वन प्लस एल टू प्लस माइनस टू एम या तो प्लस टू एम आता है या माइनस टू एम आता है डिपेंडिंग ऑन क्वाइलिंग डिपेंडिंग ऑन क्वाइलिंग ये सीरीज वाला है ये सीरीज़ वाला है एवरीबॉडी गॉट इट सेकेंड वाला है पैरेलल वाला सेकेंड वाला है पैरेलल वाला कि भाई हमारे पास ऐसे है ऐसे है इसमें देखो एम अगर जीरो ले लोगे एम अगर जीरो ले लोगे तो एल इक्विवेलेंट वही आ जाएगा एल वन प्लस एल टू गॉट इट और नॉट ठीक है एम अगर जीरो है तो वही आ जाएगा जो सीरीज में आता था हाँ या ना और पैरेलल में क्या होता है ये एल वन है ये एल टू है और इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस एम है इन दो क्वाइल्स का तो इसमें हमारा एल इक्विवेलेंट आता है भाई अगर एम जीरो होता था तो क्या आता था एल वन एल टू बा आता है एल वन एल टू माइनस एम स्क्वेर प्लस माइनस आई थिंक टू एम एंड ये प्लस माइनस अगेन डिपेंड्स ऑन क्वालिंग डेरिवेशन कर ले किसी ने फॉर्मूले देखे हैं गलती से किसी किताब में खोल के देख लिया हो तो ये फॉर्मूले मिल गए हों एल वन प्लस एल टू प्लस माइनस टू एम एल वन एल टू माइनस एम स्क्वेर अपॉन एल वन प्लस एल टू प्लस माइनस टू एम गाइस चलो डेरिवेशन कर लेते हैं डिफिकल्ट नहीं है टेक्निकली मैंने देखा है एनसीआरटी में ना इस डेरिवेशन का आधा पार्ट उन्होंने करवाई दिया है आई वॉज इवन सरप्राइज सीरीज वाला देखते हैं सीरीज वाला देखते हैं ऐसे है सिमिलर क्वाइलिंग लेते हैं पहले सिमिलर क्वाइलिंग का मतलब क्या है अरे कंट्रोल जेड ही नहीं हो रहा तो so गाय ऐसे था ये सिमिलर का मतलब क्या है ये बैक टू फ्रंट जा रही है coiling. तो इसमें भी बैक टू फ्रंट करना यहां पे करंट भेज दिया आई एंड ये करंट मान लो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है ये करंट अगर टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है तो क्या मैं ये कह सकता हूं यहां पर बैटरी बनेगी ऐसी एल वन डी आई बाई डी वाली यहां पर बैटरी बनेगी ऐसी एल टू डी आई बाई डी वाली चलेगा अब रुक जाओ अब रुक जाओ अब ये सोचो इसमें करंट जा रहा है ऐसे इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे तो इसका फ्लक्स इधर भी आ जाएगा और फील्ड ऐसे होगी फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज होएगी तो बी इंड्यूस राइट right वाले में कैसा होना चाहिए बी इंड्यूस इस प्रकार होना चाहिए लेंज लॉ से क्योंकि मैंने करंट इंक्रीजिंग माना है बी इंड्यूस ऐसे होगा तो बैटरी ऐसे बननी चाहिए एग्रीड यह बैटरी कौन सी होनी चाहिए यह बैटरी होनी चाहिए एम डी आई बाई डी टी या फिर यह भी कह सकते हो दिस शुड बी लाइक एम ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन डी आई बाई डी टी बोलो हां किस किस को यह समझ में आया और अगर इसको सीधा करूं अगर ये सीधा करूं तो ये मेरा लेफ्ट एंड है और ये मेरा राइट right एंड है किस किस को यह दिख रहा है कि ऐसे एड हो गया एम ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन डी आई बाई डी टी एग्रीड अब उल्टा करो अब उल्टा करो इसमें करंट ऐसे जा रहा है और फील्ड इसके कारण ऐसे हो जाएगी इसमें यह फील्ड इंक्रीज हो रही है बी इंड्यूस ऐसे आएगा बी इंड्यूस ऐसे आएगा तो बैटरी इंड्यूस ऐसे आएगी और यह बैटरी फिर कैसे होगी एड एड हो जाएगी यह हो जाएगा एम ऑफ वन ड्यू टू टू डी आई बाई डी टी डू यू रियलाइज पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा एल वन प्लस एल टू प्लस टू एम डी आई डी टी उसको कंपेयर कर दो एल इक्विवेलेंट डी आई वाई डी टी से प्रभाकर बेटा बात समझ में आई या नहीं आई yes. तो ये एल वन प्लस एल टू प्लस टू एम तो मैंने प्लस माइनस टू एम बोला था तो याद रखना प्लस कब होता है जब सिमिलर क्वाइलिंग होती है सिमिलर का मतलब है ये तुम होमवर्क ट्राई कर लेना कि दोनों पीछे से लेके जाओ दोनों पीछे से लेके आओ मतलब कि यहां से भी पीछे से लेके गए हाँ या ना और यहां पर भी पीछे से लेके गए इसमें भी आंसर प्लस वाला ही आएगा ठीक है yes, लेकिन अगर अपोजिट क्वलिंग कर दोगे तो माइनस वाला सीन आएगा करके देख लें एक बार अपोजिट वाला करेंगे तो ऐसे है एक फ्रंट से ले लिया और एक बैक से ले लिया एंड ये जो करंट है ये हमने टाइम के साथ इंक्रीजिंग मान लिया ठीक है कि नहीं है तो एक बैटरी तो ऐसे बन गई हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो गया एल वन डी आई बाई डी टी इसके लिए तो मैंने ज्यादा दिमाग लगा ही नहीं रहा कि इसकी पोलैरिटी क्या है मैंने कहा करंट इंक्रीजिंग है उसको अपोज ही कर रहा होगा हाँ या ना एल टू डी आई बाई डी टी एग्रीड और नॉट ये तो हम पहले ही कर चुके थे पढ़ रहे थे स्टार्टिंग वाला पार्टी हा या ना अब मैंने कहा कि इसके कारण मैग्नेटिक ये करंट ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐसे आएगी और ये इंक्रीज कर रही है तो बी इंड्यूस ऐसे, ऐसे आएगा तो बैटरी इंड्यूस ऐसे, ऐसे आनी चाहिए तो ये बैटरी ऐसे, ऐसे बन गई गॉट इट अब राइट वाले से देखा राइट right वाले में करंट हमारा ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी तो उसका फ्लक्स यहाँ पर ऐसे बी ऐसे आएगा और बी हमारा इंक्रीज आएगा तो बी इंड्यूस ऐसे आएगा तो बैटरी इंड्यूस ऐसे आएगी तो बैटरी इंड्यूस ऐसे आ तो गई दोनों में रियलाइज हुआ कि यहां पर एल वन प्लस एल टू माइनस टू एम डी आई बाई डी टी हो जाएगा एग्रीड और नॉट पोटेंशियल डिफरेंस केवीएल से दैट विल बी एल इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी Compare किया तो एल इक्ट आ गया एलवन तो मतलब प्लस में प्लस आता है और डिसिमिलर एटलीस्ट पक्काल का फॉर्मुला थोड़ा डिफरेंट है एलवन एल टू माइनस एम स्क्र अपॉन एलवन प्लस एल टू प्लस माइनस टू एम ये फॉर्मूला तो मैंने कभी पेपर में आते हुए नहीं देखा लेकिन मैंने ये वाला फॉर्मूला देखा है गॉट इट और नॉट

बच्चे कहेंगे बड़ा ही मतलब एलिगेंट से डायग्राम बना रहे हैं सर सिमिलर वाला ले रहा हूं चलेगा ये करंट आई जा रहा है ये आई वन जा रहा है ये आई टू जा रहा है ये एल वन है ये एल टू है आई मैंने इंक्रीजिंग माना आई वन मैंने इंक्रीजिंग माना आई टू मैंने इंक्रीजिंग माना क्या मैं कह सकता हूं इसमें एक बैटरी तो ऐसे बन गई और इसमें एक बैटरी तो ऐसे बन गई ये बैटरी बन गई एल वन डी आई वन बाई डी टी चलेगा यह बन गई एल टू डी आई टू बाई डी टी यह भी चलेगा गाइज बोलो हां अब इसमें करंट आई वन ऐसे जा रहा है करंट ऐसे है करंट ऐसे है सोलोनोइड फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी ऐसे 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 होती है ना तो इसके कारण फील्ड ऐसे होगी या ना और ये बी इंक्रीज कर रहा है तो बी इंड्यूस ऐसे होगा लेंस लॉ से और बी इंड्यूस ऐसे होगा तो बैटरी इंड्यूस ऐसे होगी एग्रीड किस किस को ये समझ में आया सही है और ये बैटरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू डी आई वन बाई डी टी होगा बोलो हा डी नहीं होगा क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस करंट करंट या ना तो आई वन वाला फ्लक्स नीचे वाले के थ्रू निकाल रहे हो करंट किसका ऊपर वाले का ना तो उसका रेट ऑफ चेंज किस किस को समझ में आया गाइस बोलो आएगा हाँ. अब यही एक्सरसाइज जब तुम नीचे वाले से करोगे तो इसमें करंट ऐसे जा रहा है करंट ऐसे है हाँ या ना और फिर मैंने कहा यार देखो देखो ये हो गया फिर बी इंड्यूस ऐसे होगा, बैटरी ऐसे बनेगी तो ऊपर वाले में भी ऐसे बनेगा ये बन जाएगा एम डी आई टू बाई डी टी क्या मैं ये कह सकता हूं पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को अगर वी बोल दू अगर पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को वी बोल दू तो आ जाएगा वी इज इक्वल टू एल वन डी आई वन बाई डी टी माइनस एम डी आई टू बाई डी टी बोलो हां नीचे वाले के थ्रू वी इज इक्वल टू एल टू डी आई टू बाई डी टी माइनस एम डी आई वन बाई डी टी सही है और फिर मैं ये कह सकता हूं कि v इज इक्वल टू एल इक्विबेंट डी आई बाई डी टी या, ना? या ये कह दो यही तो बोलोगे डी आई बाई डी टी पूरे को एक एक से रिप्लेस कर दिया एल इक्विवेलेंट से जिसमें टोटल करंट आई जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल कितना हो जाना चाहिए आई इज इकल टू आई वन प्लस आई टू होगा तो कहना डी आई बाई डी टी इज डी आई वन बाई डी टी प्लस डी आई टू बाई डी टी तो हम ये कह सकते हैं वी बाई एल इक्विबेंट वी बाई एल इज डी आई बाई डी टी और इसको लिख देना डी आई वन बाई डी टी प्लस प्लस डी आई टू बाई डी टी बोलो हां चमका या नहीं चमका गाइज एवरीबॉडी से यस गॉट इट अब तुम्हें कुछ नहीं करना तुम्हें कुछ नहीं करना ये जो इक्वेशन बनाई है ना मैंने ये जो इक्वेशन बनाई है v by l equivalent is di one by dt plus di two by dt इन दो इक्वेशन से di one by dt और di two by dt v के टर्म्स में निकाल के पुट कर दो समझे नहीं सर समझे समझे ना कुछ कुछ भाई मान लो di two by dt एलिमिनेट करना है di two by dt एलिमिनेट करना है कैसे एलिमिनेट करोगे इसको मल्टीप्लाई कर दो l two से इसको मल्टीप्लाई कर दो m से हाँ या ना एम एल टू माइनस एम एल टू और प्लस एम एल टू तो डी आई टू बाई डी टी तो उड़ गया तो ये क्या बनेगा दोनों को इक्वेश को एड किया तो डी आई वन बाई डी टी डी बाई डी टी एल वन एल टू माइनस एम स्क्वेर इज वी एल टू प्लस एम बोलो हां चमका नहीं समझ में आया किसी को तो पूछ लो यार परनी का समझ में आ रहा है मैंने क्या किया yes, yes पक्का ना थोड़ा कर देंगे शायद ज्यादा अच्छे से दिखाई दे मैं क्या बकवास कर रहा हूं ऐसे ही तुम डी आई टू बाई डी टी निकालना ऐसे ही तुम डी आई टू बाई डी टी निकालना कि डी आई टू बाई डी टी तुम्हारा आ जाएगा वी एल टू प्लस एम अपॉन एल वन एल टू माइनस एम स्क्वेर हाँ या ना अब ये दोनों वैल्यूज यहां पर रख देना ये क्या हो गया भाई मेरा मेरा गूगल असिस्टेंट ऑन हो गया अपने आप वो मेरी आवाज सुन रहा है स्पाई कर रहा है मेरे ऊपर गाइस तुमने नोटिस किया yes, तुम्हें आवाज आई या नहीं आई दीज आर योर रिजल्ट्स फ्रॉम द वेब मतलब मतलब इसका मतलग वो मेरी जो बात सुन रहा है उसके अंदर कहीं ना कहीं गूगल वर्ड या उस टाइप का साउंडिंग वर्ड आया जिससे वो जग गया यस yes, सर होता है बहुत बार अरे बहुत बार बार होता है मैं एक बार गाड़ी चला रहा था तब हो गया था मैं घूमने गया था तो मैडम और मैं जा रहे थे और कहाँ पे थे हम नारकंडा के आसपास थे तो वहां पर मैं कुछ बात कर रहे थे हम और फिर बात करते करते गूगल ऑन हो गया और फिर मुझे रियलाइज हो गया यार गूगल से बात कर सकते हो तुम तो फिर मैंने कहा तुम चुप हो जाओ तुमने वैसे भी बात नहीं कर रही हो और नाराज हो तो तुम चुप हो जाओ फिर मैं गूगल से बात करी मैंने दस पंद्रह मिनट लाइक की मतलब मतलब इस <laughs> इसका लेवल, अलग ही लेवल पे था वो वी बायल्टी आई वन बाई टी टी बट ये नहीं सोचा था कि क्लास लेते लेते बीच में जगेगा वी एल टू प्लस एम अपॉन एल वन एल टू माइनस एम स्क्वेर प्लस वी एल वन प्लस एम अपॉन एल वन एल टू माइनस एम स्क्वेर बोलो हाँ वी कट जाएगा एल इक्विवेलेंट आ जाएगा एल वन एल टू माइनस एम स्क्वेर अपॉन एल वन प्लस एल टू प्लस टू एम बोलो हाँ अब देखो अगेन प्लस वाला कब आया प्लस वाला कब आया जब सिमिलर क्वॉलिंग थी माइनस कब आएगा जब डिसिमिलर क्वालिंग होगी जब तुम एक क्वॉलिंग आगे से करोगे एक पीछे से करोगे ना तो यहां पे क्या आ जाएगा मैं पहले बता दूं, यहां पे क्या आ जाएगा यहां पर उल्टी पोलैरिटी बन जाएगी दिखाई दे रहा है उल्टी पोलैरिटी बन जाएगी जब तुम क्वालिंग उल्टी करोगे तो यहां पर प्लस साइन आ जाएगा यहां पर प्लस साइन आ जाएगा तो जब तुम्हें वो इसे सब्ट्रैक्ट करके इसको काटना पड़ेगा ना काटने के लिए तुम्हें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा तो यहां पर एल टू माइनस एम आएगा और यहां पर एल वन वे कहा गया सॉरी मैंने गलत लिखा है क्या डी आई टू बाई डी टी डी में एल टू प्लस एम है तो इसमें एल वन प्लस मैंने आंख ऑटो पायलट पे कर दिया बहुत ही बड़ा डूडू है समझ में आ रहा है डी आई टू बाई डी टी पे क्या हो जाएगा वी एल वन प्लस एम अपॉन एल वन एल टू माइनस एम स्क्र गॉटेड और नॉट तो उसमें यहां पर माइनस साइन आ जाएगा किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं प्रभाकर गॉट इट और नॉट ठीक yes, है तो ये फॉर्मूले दोनों फॉर्मूले मैंने डिराइव कर दिए और ये भी समझ में आ गया कि ये फॉर्मूले कब लगाने हैं